तीन गो नाक है, तीन गो आँख है, जटा है, शंकर भगवान के रूप है। तीसरा नाक शंकर भगवान की था ना, वही तीसरा आँख है। नाक तीन गो है, नाक भी तीन गो है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। बाछी बाछा दोनों है। अच्छा, बाछी दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? है, देखिए भगवान का क्या क्या भगवान का महिमा है। उसका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसको हम अंधविश्वास मानते हैं कि भगवान है, कोई भगवान नहीं होता है। चमत्कार है, वो नहीं है, कहे जाओ। अरे देखिए आप कैसे समझाइएगा, पढ़ा लिखा होगा ना, और जो साइंस जो पढ़ा होगा, खासकर जो बायोलॉजी, वो ऐसा मानेगा ही नहीं। गाय को बेचिएगा? नहीं, 10 लाख देगा तो नहीं बेचेंगे। कितना बेचोगे? 1 करोड़ में? नहीं, बेचवे नहीं करेंगे। बेचवे नहीं करोगे? और देखने में ही इतना अद्भुत है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और चढ़ावा भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब लोग पैसे भी रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपको कैसे पार्वती माता महादेव जी लग रहे हैं? बहुत सुंदर, स्मार्ट लग रहे हैं, तब ना आए हैं बाबू। सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए, शिव गुरु में जुटे हुए, तो सोचे कि चलो आ गए धरती पर मिलने के। चले, क्या देखने आए हैं? शंकर जी को देखने आए हैं। शंकर जी हैं? शंकर जी कैसे हैं? तीन आँख है, तीन नाक है, दो कान है, जटा है, इसीलिए। ऐसा हो सकता है क्या, भगवान आ सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ऊपर वाला का कृपा है, आ भी सकते हैं। बछड़े का तीन आँख है और दो जो है सर है, कहीं ना कहीं इसी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ताकि देख रहे हैं बहुत गौर से, क्या देख रही हैं? इनको देख रहे हैं कि बाछा भी है, बाछी भी है, आसिफ गुरु से जुटे हुए हैं, तो वही देखने आए हैं कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। गौर से देख रहे होंगे आप, त्रिनेत्र बाछी है और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोग पैसा भी चढ़ा रहे हैं। गौर से देखेंगे तो इस बछड़े का तीन आँख है और दो जो है सर है, कहीं ना कहीं इसी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि महादेव जी आ गया है। चाची आप बोल रही थी महादेव जी है? महादेव जी के अंश लग रहे हैं। क्या क्या? पार्वती जी, शंकर जी दोनों हैं। अच्छा, पार्वती शंकर जी कैसे हैं बताएंगे? जैसे दोनों उनको अंग है तो दोनों है। इसका तीन गो आँख है, क्या कहना चाहती है? शंकर जी हैं। शंकर जी का त्रिनेत्र? शंकर जी का त्रिनेत्र है, क्या बात है, क्या बात है। और क्या देख रही है चाची आप इसमें? बाछी बाछा दोनों है। बाछा बाछी दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? देखिए भगवान का क्या क्या भगवान का महिमा है। भगवान जो भी भगवान जो भी कर दे, भगवान जो भी धरती पर पैदा दिए, सब कोई देखे वाला संसार आ गए हैं। अच्छा, एक साथ बछड़ा और जो बाछी कैसे पैदा हो सकता है? ऊपर वाला की महिमा, ऊपर वाला आदमी का पावर नहीं है, भगवान के बहुत पावर है। चाहेंगे तो जो भी कर दे सकते हैं। अभी कोई का पावर है तो पानी बरसा दे, तो बद्री कर देवे। तो आपको कैसे पार्वती माता महादेव जी लग रहे हैं? बहुत सुंदर, स्मार्ट लग रहे हैं, तब ना आए हैं बाबू। सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए, शिव गुरु में जुटे हुए, तो सोचे कि चलो आ गए धरती पर मिलने के। चले, अब देखिए जरा, अब इस बच्चे को देखने के लिए, इस बछड़े को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और देखने में थोड़ा सा आपको अद्भुत लगेगा क्योंकि इसके तीन आँख है। गौर से देख रहे होंगे आप, त्रिनेत्र बाछी है और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोग पैसा भी चढ़ा रहे हैं। माता जी आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तो भूतनाथ से। आप कहाँ से आई हैं? भूतनाथ से ही हैं। भूतनाथ से आई हैं, कैसा लग रहा है देख के? हम अभी अभी सुने हैं, अच्छा लगा। देखिए स्कूल के बच्चे भी आए हैं, क्या देख रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि भगवान जी है, लग रहा है तुम्हें भगवान जी है? अद्भुत है। आप देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, आस्था है, आस्था है। हाँ। और यहाँ पे लोग पैसा भी चढ़ा रहे हैं। देखिए आप, एक भाई साहब भी है, ये आप यही के रहने वाले हैं? जी यही पर रहने वाले हैं। ये क्या हो गया, आप मोहल्ला में कैसा बच्चा पैदा ले लिया है? ये सर बहुत परसों लिए हैं, ठीक है, ये परसों जन्म लिए हैं। और इनके तीन आँख है, तीन नाक भी है सर, ठीक है, और कान के चट्टा भी बने हुए हैं, ऊपर में जो बने हुए हैं, इनके जन्म लिए हैं। ये बहुत अच्छी है, माना जाता है, ये सिर्फ भोले बाबा का पार्वती जी का जन्म लिया गया। बस ये बात, कहीं ना कहीं ये बछड़ा जो है बहुत ज्यादा विशेष है, इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अवतार लिया है, इसका जो तीन आँख है, इसको लोग भगवान के रूप में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं कि तीन गो आँख है। क्या बोल रहे हैं? तीन गो नाक भी है, तीन गो आँख भी है सर। हाँ, और देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूजा पाठ भी स्टार्ट हो गया है, लोग आके इसको चढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है देख रेख कर रहा है। बच्चा तुम ही देख रेख कर रहे हो? हाँ। कैसा बच्चा पैदा हो गया तुम्हारे घर? बोलो बोलो बोलो, कैसा बच्चा पैदा ले लिया है? भगवान, भगवान जी आ गए हैं। कैसे भगवान जी हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान है, तुम ही देख रेख करते हो? हाँ। तुमको मारती नहीं है गाय? नहीं मारती है ना। ये बच्चे, ये जो बच्चा है यहाँ पे, इसको देख रेख कर रहा है, खाना खिला रहा है, इसको दूध पिलवा रहा है,
बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए चाची देख रही है बहुत गौर से, क्या देख रही हैं? इनको देख रहे हैं कि बाछा भी है बाछी भी है, शिव गुरु से जुटे हुए हैं तो वही देखने आए हैं कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। इसीलिए आपको कैसे लगता है कि शिव गुरु का चमत्कार है? बाछा है बाछी है जाटा है, इनका तीन आँख तीन है। जाटा कहाँ है? जाटा है, तीन नोक तीन आँख। जाटा है ये तो कान लग रहा है महाराज। जाटा है तीन आँख है इनको, इसी से देखिए सुंदर भी है। सुंदर है नाको तीन गो है, नाको तीन गो है। देखिए देखिए लोग प्रणाम भी कर रहे हैं बच्चा को, कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं। अब ये आस्था की बात हो गई है। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे बच्चा जो होता है, देखिए देखिए लोग इनको प्रणाम भी कर रहे हैं, बच्चे को प्रणाम हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। देखिए आप इनको प्रणाम क्यों कर रही है माता, क्यों कर रही है आप? समझ के कर रहे हैं आप? क्यों आप क्यों इनको पूजा कर रही हैं? आप क्यों पूजा कर रही हैं इनको? शिव गुरु समझ के गौर लग रहे हैं, शिव गुरु दर्शन हुए हैं। शिव गुरु दर्शन हो गए हैं? तब शिव गुरु दर्शन हो गए, देखे तीन गो आँख है, तीन गो कान है। अब मैं बता दूं आपको, अभी मैं पटना के भूतनाथ एरिया में हूं और यहां पे आने का मकसद ये है कि दो तीन दिन से यहां पे बहुत सारा भीड़ लग रहा है। भीड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो बच्चा है लोग इसको कहीं ना कहीं पूजा करने आ रहे हैं, इसको माला पहना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आके इनको प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दान दक्षिणा भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर जाटा भी है, जाटा है और तीन गो आँख है, जो महादेव का आँख होता है उसे कहीं ना कहीं तीन गो कान है। गाय माता बहुत गुस्सा में, क्या बोल रही है? तीन गो कान है। तीन गो कान कैसे हो सकता है? तीन गो कान देखिए, तीन गो कान है। कहीं ना कहीं चमत्कार है, तभी ना चमत्कार है। बोले वहाँ का है, देनी है भगवान साक्षात आए हैं। बच्चे को देख के क्या कहना चाहती है चाची? चाची आपसे पूछ रहे हैं, बच्चे को देखे भागनी बनते थे तो साक्षात हम लोग दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहती है? बेटा ये तो अजगुत हो गया, तब हम सब सोचे। फिर से बोलिए, फिर से क्या हुआ? अजगुत हो गया, धरती पर भगवान जी उतरे। सब महल दुनिया भर के कोने कोने विश्व भर में बात फैलना चाहिए, पूरा विश्व भर में ये भूतनाथ में वो जन्म लिए हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही हैं? महाशिवरात्रि भी नजदीक आ रहा है, इसी के चलते। अच्छा, ऐसा जो बच्चा होता है ज्यादा दिन जीता नहीं है, क्या इस पे क्या सोचती है? भगवान करे जिए जाए, भगवान आए तो धरती पर रहे, कहला जाएंगे जी जाएंगे तो क्या करिएगा? पूजा करेंगे, जैसे अभी पूजा हो रहा है पूजा करेंगे। अब देखिए मैंने आपको दिखाया और बहुत सारे महिलाएं भी आ रही है, शिव गुरु के रूप में इनको पूजा जा रहा है। बहरहाल इनको देख के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे मैंने दिखाया इसको पैसा भी चढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी बात है, अब ये आस्था की बात हो गई है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।